सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर बात कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की करें तो राहुल गांधी इस कंपटीशन में अभी बहुत पीछे हैं। 4 साल पहले बीजेपी एमएलए साधना सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीर हरण हुआ, एक चीर हरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच के लाया है, जब तक उसके कंधे का लौ हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान ये बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लूट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। ऐसी महिला नाम लेने वाली मायावती जी का हम महिला का जब जिस दिन चीर हरण हो जा, जिस दिन महिला का ब्लाउज फट जा, पेटीकोट फट जा, साड़ी फट जा, वो महिला अगर सत्ता के लिए आगे आती है, वो महिला नाम पे कलंकित है, उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है। इस नाते कि हम लोगों को वो महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो किन्नर से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वो नर है न महिला है। फिर बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह ने भी मायावती पर शर्मनाक टिप्पणी की थी। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं, ये एक वेश्या भी यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है, लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता, तीन तीन बार की मुख्यमंत्री मायावती जी, किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट कर तो उसको दे देती है। एक बेस्या से भी बदतर चरित्र की आज मायावती। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ भी आपत्तिजनक टिप्पणियों की इस दौड़ में पीछे नहीं थे। कहीं वो किसी मस्जिद के अंदर मंदिर और गोली बड़े विराजमान हो, अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए और हर जगह गोली घरे और मंदिर को विराजमान करवा देंगे। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती है। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। क्या कान भर कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उसमें कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांगते भी दिखाई दोगे। अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। जिन लोगों ने कर्बला बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है, अब समय आ गया जब इनको वहीं पहुंचा देने की आवश्यकता है। घंटे बिजली मिलती है लेकिन महादेवा में भगवान महादेव का मंदिर है, महादेवा में वहाँ 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो कर्बला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से, जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढहाया गया था, प्रशासन इस बात के लिए चिंतित था कि ईंट कहां जाएगी, देखते ही देखते एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला, वहां पर सब कार सेवक लेकर के चले गए, अपने अपने आस्था और अपने 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 विश्वास के अनुसार लोगों ने उसका उपयोग किया। इन्हीं टिप्पणियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो लोग सूर्य नमस्कार को अपोज करते हैं उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए या अंधेरे कमरे में जीवन बिताना चाहिए, और ये भी कहा कि कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसकी चिंता मत करिए क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आपत्तिजनक टिप्पणियों की इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भी अपने एक संबोधन के दौरान बलात्कार को छोटा मोटा अपराध बताया था। अपराध उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया
तो लड़की जाके ब्याज सिंह मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को तीन को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी बंबई में। अब सोचिए ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देगी और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया। साथ ही मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नकल करने को सही ठहराया था और चेतावनी देते हुए कहा था कि उनसे बचना, जो रंग बदल कर आते हैं, पीला पीला कपड़ा पहन कर आते हैं, बाबा टाइप लोग, वो पता नहीं कौन सी बात कह देंगे और ना जाने कौन कौन सी बातों पर झगड़ा करा देंगे। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। ऐसे ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह बताया था। नाना पटोले ने कहा था कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। साथ ही आप नेता गोपाल इटालिया ने तो पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा था। क्या इन सभी लोगों को जिन्होंने ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए उन्हें 2 साल की सजा हुई और क्या इन सभी की संसद सदस्यता रद्द की गई? जवाब है नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैली में की गई एक टिप्पणी के लिए सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा। 33,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय को ये कहकर बदनाम किया है कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई जिसके चलते वो 2 साल की सजा काटने के बाद भी 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिर राहुल ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली दोष सिद्धि पर रोक लगाने को लेकर और दूसरी सजा सस्पेंड करने को लेकर। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 13 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है। अब जानेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में जो इस राजनीति को समझने में मदद करेंगे। पहला, पुर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का दावा करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अक्टूबर 2019 में शिकायत दर्ज की थी, पर फैसला 23 मार्च 2023 में आया जब राहुल अडानी हिंडनबर्ग मामले को जोर शोर से उठा रहे थे और जेपीसी जांच की मांग कर रहे थे। दूसरा, सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहकर सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया कि आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। तीसरा, मोदी सरनेम को पूरे ओबीसी समुदाय के अपमान से जोड़ दिया गया ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत से फायदा मिले। चौथा, सरकार को पूरा बजट सत्र बिना बहस करे गवाना मंजूर था, लेकिन अडानी हिंडनबर्ग मामले पर संतोषपूर्ण जवाब देना या जेपीसी जांच कराना नहीं। पांचवा, अगर राहुल की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को बाकी सारे नेताओं की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से कंपेयर करें तो 2 साल की कैद और संसद की सदस्यता रद्द किए जाना बहुत ज्यादा है। लेकिन राहुल ने भी पलटवार करते हुए किसी ऊपरी अदालत में ना जाकर उसी सूरत सेशन कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जहां से सजा सुनाई गई थी और फिलहाल उन्हें जमानत मिल चुकी है। क्या आप में से किसी को लगा था कि अगर राहुल गांधी जेल जाते तो इतिहास दोहराया जाता, जैसे 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के शासन में जयप्रकाश नारायण को जेल जाना पड़ा था और लगभग 1 साल बाद उनके नेतृत्व में जनता पार्टी ने सत्ता को पलट दिया था। वैसे ही कांग्रेस या तो जनता की सहानुभूति बटोर कर या इसी मानहानि मामले को ढाल बनाकर अगले चुनावों में सत्ता पलट कर सकती थी। धन्यवाद। जय हिंद।